खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। राजापुर स्थित सिद्दीकी हाउस में बहुजन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्य जोन इंचार्ज पूर्व MLC नौसाद अली ने की। सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर MLC लखनऊ, अखिलेश अम्बेडकर मुख्य जोन इंचार्ज लखनऊ, विनोद भारती, उमा शंकर गौतम मुख्य जोन इंचार्ज, राजकुमारी चौधरी अध्यक्ष भाजपा खीरी सहित तमाम नेतागण उपस्थित रहे। सम्मेलन में अरशद इलियास सिद्दीकी को धौरहरा लोकसभा का प्रभारी नियुक्त किया गया। सम्मेलन में अरशद इलियास सिद्दीकी ने पुलवामा हमले में शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की एवं शोक व्यक्त करते हुए उसके बाद अरशद सिद्दीकी ने 2019 के चुनाव में जनता से सपा बसपा के प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। अरशद सिद्दीकी को अपने बीच पाकर जिले की जनता बहुत खुश नजर आई तथा अरशद सिद्दीकी का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। सम्मेलन में उपस्थित अन्य वक्ताओं ने भी सपा बसपा गठबंधन प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की। खबर 365 न्यूज के लिए लखीमपुर से तौहीद खान की रिपोर्ट। 30-35 साल से अभी भी कर रहा हूँ और मैं आगे क्या करूँगा उसका वादा अभी तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पीछे काम किया है वो आप लोगों के सामने है। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूँ कि वो काम हम लोगों ने किया है लखीमपुर सीतापुर हरदोई में जो शायद सरकार भी न कर पाई, और हमारी संस्था चलती है उसके माध्यम से, और अभी मेरे साथ में डबल पावर मिल गया है, मुझे बहुजन समाजवादी पार्टी का यहाँ पे प्रभारी बनाया गया है। उस कार्यकर्ता और सचिव की जो शक्ति होगी उससे और शायद हम काम कर सकते हैं। सबसे जो बड़ी मसला सवाल है यहाँ पे कुछ इलाके हैं जो बाढ़ से पीड़ित हैं, उनके लिए भी हमारे पास प्रोजेक्ट है। एजुकेशन का मसला है वो भी हमारे सामने है, नौकरियों का सवाल है वो भी हमारे सामने है। सर लोग सर भाइयों के बहुत बड़े मसले हैं जो एक अच्छे प्रोग्राम बना के शुरू किया जा सके कि बीच में जापान में गया था वहाँ से बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रोजेक्ट लेके आया था, इससे मेरे शायद में दो साल थोड़ा कम आया हूँ करने की कोशिश थी, तो आप लोगों के सामने में दिखाया था कि भारत का नहीं है जो नहीं किया जा सकता, इसलिए कोशिश नहीं की। मैं प्रयास करूँगा किसानों के जो मसले हैं उसके लिए भी हो सकेगा कोशिश करके सुस्ती बनाने का काम होगा, ताकि नौजवान बेरोजगार बहुत ज़्यादा है लखीमपुर सीतापुर हरदोई की जो दिल्ली में और मुंबई में जाकर छोटे छोटे काम करते हैं और वहाँ भी तो ज़्यादातर यहाँ बेकार घूमते हैं, उनके लिए हम लोग के पास कुछ योजनाएँ देश के बाद आप लोग आगे आप आपने बताया समाजी संस्था आप चलाते हैं इराक और ये सब चीज़ें, शहीदों के लिए आपने क्या अभी तक किया? अभी मैं इस जगह चलते हुए लखीमपुर में हूँ। नहीं असल साहब, ये देश में जो शहीद सैनिक हुए हैं इस आयोजन में उनका कोई किसी तरीके से नाम नहीं, मैं उनका शोक व्यक्त करता हूँ। मेरा स्टेटमेंट दो दिन पहले से भी पेपर में आ चुका था, शोक व्यक्त करता हूँ मैं अपने सचिव की तरफ से,